बच्चों, आप लोग शादी के कार्ड सभी के घर में आते हैं ना? यस मैम। और आप लोग उसको क्या है, कूड़ा समझ के फेंक देते हो, है ना? फेंक देते हो ना? जबकि उससे हम लोग कितनी सारी चीजें बना सकते हैं। आपके स्कूल में ही हमने कितनी चीजें, काजल ने देखे कार्ड बनाया था, हमने आपको फ्लावर्स बनाना सिखाया, कितने सारे क्राफ्ट्स बनाने सिखाए, है ना? तो आज हमने शादी के कार्ड से एक TLM बनाया है हिंदी का, चलिए आज आप लोगों को वो दिखाते हैं। तो देखना है सभी को? यस मैम। चलिए आते हैं, ये देखिए, ये है संज्ञा का TLM। पहले आप लोग इसको पूरा ऊपर से देखिए, पहले ऊपर से दिखाओ, ये देखो, अच्छा लग रहा है? यस मैम। इसमें क्या है, संज्ञा और संज्ञा के भेद। चलो पहले संज्ञा खोलो। संज्ञा, तो संज्ञा की क्या परिभाषा है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोग को बताओ? नाउन। वेरी गुड। चलिए संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद होते हैं मेन तीन होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम लोग एक एक डिफिनीशन पे आ जाते हैं। परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, रामायण, दिल्ली, पवन, सीमा, लखनऊ। इसके बाद आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति को बोध कराते हैं, उन शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, गाय, मनुष्य, हाथी, पहाड़। इसके बाद हम लोग आते हैं भाववाचक संज्ञा पे, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई। ठीक है, ये आपको एक्टिविटी कराई भी जाएगी। आज हमने TLM तैयार कर लिया है, इससे आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा। तो TLM सबको अच्छा लगा? अब सारे लोग शादी के कार्ड को वेस्ट समझ के फेंकेंगे नहीं, ठीक है? उसको आप लोग स्कूल लेकर आएंगे, उसको कहीं ना कहीं पे यूज कर लिया जाएगा। ठीक, सारे बच्चों को ये TLM देखना है? किसको किसको देखना है? सबको देखना है। चलिए अभिनव और आशीष, सबको दिखा दीजिए ये TLM। और सारे लोग इसको तैयार करके आएंगे, फिर इसको हम पढ़ाएंगे भी। ठीक है, सबको अच्छा लगा TLM? वेरी गुड।